हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज में। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट इस वैदिक धर्म को, इस सनातन धर्म को दिया है और वो सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को ये इस चीज को फैला कर कि क्यों ये समय एंड टाइम्स है। आज हम बात करेंगे अंकिता मैम से जिन्होंने काफी रिसर्च कराया है इस टॉपिक पर और आज के समय में ये चीजें फैला रहे हैं दुनिया में कि क्यों लोग बिलीव कर रहे हैं और कैसे हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए ताकि हम कल की अवतार जो इस दुनिया में प्रेजेंट हैं उनके साथ जुड़ सकें और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम कलयुग टू सतयुग इसमें जुड़ सकें, इसमें जा सकें। तो मैम वेलकम करता हूँ मैम आपका और थैंक यू आपने ये समय दिया हमें। शिव नारायण, जय वैदिक सनातन। मैं भी अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं जो हूँ अपने गुरु प्रशांत त्रिवेदी जी से इंस्पायर्ड हूँ। आपने सुना होगा उनके बारे में, काफी लोगों ने सुना है, काफी लोगों ने सुना। तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं जो है ये अवेयरनेस फैलाने का काम करती हूँ और उनसे इंस्पायर्ड हूँ। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग विद यू। This, I want to start with this. Okay. तो जी, आपका पहला प्रश्न। मैम, स्टार्टिंग में मैं ये पूछना चाहूंगा कि लोग बिलीव कर रहे हैं ये समय युग परिवर्तन का है और कुछ लोग कह रहे हैं कि युग परिवर्तन हम इस समय को किस बेसिस पे कह रहे हैं, वॉर के बेसिस पर या ये पैंडेमिक के बेसिस पर या इंक्रीजिंग नेचुरल कैलामिटीज के बेसिस पर। ये चीजें तो पहले भी हो चुकी हैं, इस समय में ऐसा डिफरेंट क्या है जो हम इसे माने कि ये युग परिवर्तन है? जी ये युग परिवर्तन का ही समय है अगर लोग तथ्यों का सामना करेंगे, ठीक है। इफ दे बिकम अवेयर एंड स्टार्ट लुकिंग एट फैक्ट्स एट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, लोगों की आजकल स्थिति क्या है, उनकी खुद की स्थिति क्या है, ये समाज में क्या चल रहा है, ठीक है, वो लोग ये सब फेस करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जब वो फैक्ट्स फेस करेंगे, तथ्यों का सामना करेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि ये समय जो है ये युग परिवर्तन का है, ये कोई मतलब नॉर्मल समय नहीं है। दूसरा, आपने जो बोला ये नेचुरल कलामिटीज वगैरह पहले भी हुई हैं, बट वास्तव में इस तरीके जो आजकल जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं वैसे नेचुरल डिजास्टर्स कभी नहीं हुए हैं, ठीक है, जिस स्पीड में हो रहे हैं, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, जिस तरह से ये नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं ये पहले नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आसमान से ये एक अद्भुत विचित्र गूंज आ रही है आजकल, यस मैम सुनाई दे रही है, ठीक है। और जो है जो जिसका साइंटिस्ट भी जो है मतलब सो कॉल्ड साइंटिस्ट नहीं वो पता नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ से आ रही है, किसी को स्रोत पता नहीं है, सोर्स नहीं पता उन गूंज का कि वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे परिस्थितियां बन रही हैं कि देर आर फ्लड्स इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में फ्लड्स आते हैं आजकल, ठीक है। इट वॉज स्नोइंग इन अप्रैल इन दुबई, मतलब ऐसी जो है नेचुरल डिजास्टर्स और मतलब हर जगह हो रहा है, मीडिया कवर नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। आप YouTube वीडियोस भी देखोगे, लोग अपलोड कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स के और नीचे लोग लिख रहे हैं कि मतलब ये तो कयामत ही लग रही है, मतलब दोज़ हू आर पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो ये युग परिवर्तन का ही समय है, ये कलयुग है, ठीक है, कलयुग है ये कैसे बताएं, तो कलयुग है ये कैसे बता सकते हैं कि देखिए जो कलयुग में मतलब ये अधर्म की पराकाष्ठा है अभी, ठीक है, अभी अधर्म की पराकाष्ठा चल रही है। जितने भी लोग हैं वो है बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, वो कोई भी सही कर्म नहीं कर रहा है, वो पूरा हर जगह अज्ञानता है, कहीं ज्ञान नहीं है, ठीक है, नोबडी इज अवेयर, कोई भी नॉलेज में नहीं जीता, वैदिक सनातन के अकॉर्डिंग नहीं जीता, धर्म के अकॉर्डिंग नहीं जीता, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब जो है सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल भी जो है वो लोग खुद का उत्तरदायित्व नहीं लेते, किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आजकल लोग, खुद का उत्तरदायित्व नहीं लेते, अपना जो शरीर है उसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, कुछ जानने की इच्छा नहीं है आजकल लोगों को, yes, ma'am. ठीक है,
कुछ जानने की इच्छा नहीं है, कोई कुछ समझने की इच्छा नहीं है, सब अहंकारी हो गए हैं आजकल। सब जो लोग हैं वो बहुत अहंकारी हैं, ज्यादातर लोग, ठीक है। हाँ, इज दिस पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड कली पुरुष सिस्टम की ये मास अवेकनिंग नहीं हो पा रहा, लोगों को पता नहीं लग पा रहा कि दिस इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि अगर इस लेवल इस मैम यही यस दिस इज द पार्ट ऑफ कलयुग, दिस इज जो कली पुरुष ने जो माया जाल फेंका है, ठीक है, कली पुरुष ने माया जाल फेंका है कि लोग इसमें फंसे हैं, ठीक है, हर तरीके से लोगों को माइंड प्रोग्राम किया गया है कलयुग में, ठीक है। ये कलयुग मतलब कली का टाइम, मतलब इग्नोरेंस का टाइम, ठीक है। तो जैसे सत्ययुग में कोई भी, मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऐसे लोग नहीं होते, जो मतलब इतने मिसक्रिएंट लोग नहीं होते उसमें। कलयुग में मैक्सिमम मिसक्रिएंट लोगों को अलाउ किया गया है धरती पर आने के लिए, मैक्सिमम मिसक्रिएंट लोग, ठीक है। और वो ऐसे लोग हैं जो जो नेचर के लॉज को नहीं जानते, नेचर के लॉज क्या है ये नहीं जानते, प्रकृति के नियम क्या है ये नहीं जानते, और मेजॉरिटी जानते नहीं और जानना चाहते भी नहीं, ठीक है। ये उनका एटीट्यूड है, ये आजकल लोगों का एटीट्यूड है। तो ये कलयुग एक ऐसा समय है जहां इतनी सारी मिसक्रिएंट सोल को, मैक्सिमम मिसक्रिएंट सोल्स को अलाउ किया है धरती पे, सुधरने का टाइम दिया है, ठीक है, सुधरने का टाइम दिया गया है परमात्मा के द्वारा, क्योंकि ये परमात्मा की अनुकंपा ही है कि हम लोग जो है पृथ्वी पर हैं अभी, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। दिस इज डिवाइन्स ग्रेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर हियर ऑन अर्थ एंड वी आर गेटिंग अ टाइम टू, वी आर गेटिंग टाइम टू इम्प्रूव। ये परमात्मा की अनुकंपा ही है, ठीक है। बट इसका जो तो मिस्क्रियन सोल्स जो है, जो कहीं और नहीं रह सकती, ठीक है, स्वर्ग में नहीं रह सकती, वहां पे तो वेल बिहेव लोग ही रह जाएंगे। ऊपर 7 लोक है वैदिक सनातन में, ऊपर 7 लोक है, नीचे भी 7 लोक है, ठीक है, और नरक भी है। ये सारे ज्ञान जो है वैदिक सनातन व्यवस्था के थ्रू लोगों को पता लग सकता है, ठीक है। तो जो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें पृथ्वी पे सुधरने का ये मौका दिया है, ठीक है। क्या इसमें भी सच्चाई है कि कलयुग के समय एक दिन की भक्ति भी वो महीनों की भक्ति ज्यादा होगी जो द्वापर और त्रेता में की जाती थी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ जी, मेरे गुरु जी ने क्लैरिफाई किया कि अगर हम लोग we actually work towards improving ourselves, ठीक है, तो it will happen very fast, क्योंकि कलयुग में मतलब जो क्योंकि लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है और इतना माइंड प्रोग्रामिंग की गई है, तो वो मेरे गुरु जी ने क्लैरिफाई किया है, तो उस पर भी मैं वापस आने की कोशिश करूंगी, बट अभी मैं जो अभी बोल रही थी वो मैं फिनिश करती हूँ, ठीक है। तो जो है ये अपॉर्चुनिटी दी गई है तो मिसक्रिएंट स्पिरिट्स को, क्योंकि सतयुग में जो है ये इतनी सारी मिसक्रिएंट स्पिरिट्स बिल्कुल नहीं जा सकती, मतलब जो लॉज तोड़ती हैं, जिनमें जिनका एटीट्यूड खराब है, जिनका प्रकृति के प्रति एटीट्यूड सही नहीं है, जिनका परमात्मा के प्रति एटीट्यूड सही नहीं है, ये सब जो है सतयुग में नहीं जा सकती, क्योंकि ये कलयुग में अभी इन्हें अलाउ किया गया है, कली के युग में, ठीक है, दिस इज अंडर द रूल ऑफ कली, ठीक है, परमात्मा ने अलाउ किया है कि वो अपने आप को सुधारने का टाइम दिया है। बट युग परिवर्तन ये है कि अब जो है कलयुग से सतयुग की ओर जाएंगे हम, ठीक है, एज ऑफ इग्नोरेंस से हम एज ऑफ नॉलेज की ओर जाएंगे। अब उसमें ऐसी मिसक्रिएंट स्पिरिट्स जो भ्रम फैलाती हैं, एरोगेंस में जीती हैं, जिनको एरोगेंस है, जो अहंकारी हैं, ठीक है, जो ये सब नहीं जा पाएंगी बिल्कुल भी, जो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है कलयुग में, ठीक है, जो कलयुग ने जैसे कली ने फॉर एग्जांपल जाल फेंका है लोगों पे, ठीक है, अब उन उस जाल में फंसे भी वो लोग हैं जो अहंकारी हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, जिनको जानने की इच्छा नहीं है, ठीक है, जिनको जानने की इच्छा नहीं है, जो परमात्मा और प्रकृति को प्रेज नहीं करते, जो खुद की प्रेज बटोरने में लगे हैं, खुद के लिए प्रेज बटोरने में लगे हैं, वो प्रेजवर्दी नहीं है। वो लोग जो मतलब जितने लोग हैं आजकल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक्टर और एक्ट्रेसेस, ठीक है, yes, ma'am. अब वो ऐसे कर्म नहीं करते जो प्रेजवर्दी हैं, अल्कोहल पिएंगे, ड्रग्स, शराब, मतलब यू कैन सी मोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, लाइक दे विल डू सच एक्शंस व्हिच आर एब्सोल्युटली नॉट गुड एंड they are in turn promoting the Lucifer system, the Kali Purush system, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार. Yes, yes, yes. And still they want praise for themselves. Yes, ma'am. Right? क्यों ये सब करते हैं?
क्योंकि उन्हें अपने लिए प्रेज चाहिए। इसलिए ये कली ये सिस्टम उन्हीं लोगों के हेल्प के द्वारा खड़ा कर पाया है जिनको प्रेज चाहिए अपने लिए, जो परमात्मा को प्रेज नहीं करना चाहते, जो प्रकृति को प्रेज नहीं करना चाहते, जो एक्चुअली प्रेज वर्दी है। कौन प्रेज वर्दी है? प्रकृति प्रेज वर्दी है। यस मैम, ठीक है। प्रकृति इज द लाइफ सोर्स, वो प्रेज वर्दी है। परमात्मा प्रेज वर्दी है। प्रकृति के मतलब एक पत्ता भी प्रकृति में दुनिया में परमात्मा के बिना नहीं हिलता, तो वो प्रेज वर्दी है। बट जो लोग हैं उसको उनको जो प्रेज वर्दी चीजें हैं, जो प्रेज वर्दी बीइंग्स हैं, मतलब प्रकृति भी एक बीइंग है, मतलब ये सब अलाइव है, हाँ, तो प्रेज वर्दी बीइंग्स हैं, उन्हें प्रेज नहीं करना चाहते, खुद के लिए प्रेज चाहते हैं, जबकि वो प्रेज वर्दी कर्म नहीं करते। तो इसलिए ये अपसाइड डाउन सिस्टम खड़ा कर पाया कली, क्योंकि ऐसे लोग इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, who want praise for themselves, ठीक है? अगर लोग इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करें, those people who want praise for themselves, they support this system, that's why this system is still going on, ठीक है? अपना सपोर्ट हटा ले लोग, ठीक है? और खुद के लिए प्रेज बटोरना बंद करें। ये जो बहुत evil, यही evil intention जो है, यही सिस्टम को अलाइव रख रहा है, wanting praise for yourself, ठीक है? और दूसरा फिर ऐसे लोग भी हैं जो लेजी हैं, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है? वो चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को सौंपें, ओके? और परमात्मा को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चाहते हैं, ठीक है? तो लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और बिल्कुल भी शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ठीक है? मतलब अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपना मतलब किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे, ठीक है? yes, मतलब क्या कह रहे हैं, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो। तो आप सोचो ऐसे लोगों के जो अहंकारी लोग हैं उन लोगों के वही इस इसी कली के जाल माया जाल में फंसे हैं। जो अहंकारी नहीं है, जो हम्बल है, yes, ma'am. जो जिसमें ह्यूमिलिटी है, क्या ह्यूमिलिटी? कि वो प्रकृति को प्रेज करे, परमात्मा को प्रेज करे, जो प्रेज वर्दी है उसको प्रेज प्रेज देना सीखे, प्रेज बटोरना नहीं लेना, मतलब जो है, yes, ठीक है? ऐसे लोगों के पीछे ही ये जो सिस्टम है ये खड़ा खड़ा किया है कली ने। अब ऐसे लोग इसे सपोर्ट, मतलब जो अगर लोग चेंज हो जाए, ठीक है, वो परमात्मा की प्रेज करने लगे, प्रकृति को आदर देने लगे, प्रकृति से कनेक्ट करने लगे, ठीक है, तो दिस सिस्टम मतलब चल ही नहीं सकता। ये तो वो लोग ही चला रहे हैं, लोग ही चला रहे हैं, ठीक है? ये सिस्टम डिमांड है तो उन चीजों का सप्लाई हो रहा है जिनकी डिमांड है। लोग चाहते हैं कि वो लोग तथ्यों का सामना नहीं करना चाहते, लोग फैक्ट्स फेस नहीं करना चाहते, एक मेंटल वर्ल्ड में रहना, ठीक है, जो जो कली उन्हें प्रोवाइड कर रहा है डिस्ट्रैक्शंस, बट ये लोग चाहते हैं ये सब, yes, कि मेंटल वर्ल्ड में रहा है, ये डिस्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जाओ मूवी हॉल्स में मूवीज देखो, पॉपकॉर्न खाओ, बेड्स और सोफाज भी प्रोवाइड किए हैं अहंकार बढ़ाने के लिए। तो ये सब कली के जाल में वही लोग फंसते हैं जो ये सब चीजें चाहते हैं, कि वो अनडिसिप्लिन रहे हैं। जो मतलब एक बार लोग डिसिप्लिन बन गए और परमात्मा और प्रकृति को जो प्रेज करने लगे, जो सही है, जो वास्तविक में प्रशंसनीय है, उसको श्रेय देने लगे, खुद श्रेय लेना चाहते हैं लोग, जो जो मतलब जो वास्तव में लाइफ सोर्स है, जो जिसके जो प्रकृति से और परमात्मा से, और वो उन्हें श्रेय नहीं देना चाहते, वो जो है खुद श्रेय लेना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जो हाँ अहंकार है कि मेरे लोग प्रेज करें, अहंकार का रास्ता है ये, पेन और टॉर्चर का रास्ता है ये, अहंकार का रास्ता पेन और टॉर्चर का रास्ता है। कैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओलंपिक्स, ठीक है, ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने के लिए, अहंकार ईगो पंपिंग के लिए, ठीक है, लोग दे गो थ्रू सो मच ऑफ पेन एंड टॉर्चर, दे डोंट केयर अबाउट देयर वेलफेयर, वो लोग अपना भला नहीं चाहते, वो ये नहीं सोचते कि उनके शरीर के साथ क्या होगा, वो अपने शरीर को पेन और टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब उनका आगे जाके फ्यूचर में भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, इतने इंजरीज होती हैं, इतने ड्रग्स लेते हैं, मतलब लोग ओलंपिक्स में पेन और टॉर्चर ये सब, ठीक है, तो मतलब उन्हें अपने वेलबींग का नहीं है तो दूसरों के वेलबींग का क्या होगा, ऐसे अहंकारी लोगों को, आप समझ रहे हो ना, ऐसे अहंकारी लोगों को अपनी वेलबींग का नहीं है तो दूसरी की वेलबींग का क्या होगा, प्रकृति का आदर का क्या होगा, प्रकृति मतलब आजकल अधर्मिति प्रकाश्चप है कि
गंगा पोल्यूटेड है, मतलब सारे रिवर्स पोल्यूटेड है। जैसे भारत में जिस गंगा को वो पूछते हैं वो पोल्यूटेड है, मतलब आप गूगल भी कर लो कि सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सा है, ठीक है, जय गंगा माँ बोलते हैं और वही सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, हिपोक्रेसी, ठीक है, हाँ हिपोक्रेसी। और मतलब जैसे भारत में बोलते हैं कि अरे मैं, मेरे को बहुत देश प्रेम है, मेरे को बहुत देश प्रेम है, ठीक है, तो फिर अगर देश प्रेम है तो देश की जो धरती है वो इतनी पोल्यूट क्यों की है आपने, जो देश के जो रिवर्स है, जो लाइफ, जो जीवन स्रोत है, ठीक है, वो आपने इतने पोल्यूट क्यों किए हैं, एवरी ऑल द नेचर स्पॉट्स आर पोल्यूटेड टू द nth डिग्री, रिवर्स आर पोल्यूटेड, एवरीथिंग इज, मतलब इतना बुरी तरीके से पोल्यूट किया हुआ है सब भारत में, और वो अपने आपको धार्मिक मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अहंकार है, मैं तो सब जानता हूं, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अहंकार, मैं जानता हूं, मुझे जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप ठीक से जीना नहीं जानते, आप बीमार पड़ रहे हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आपकी डेस्टिनी आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप ये नहीं जानते कि मतलब 2% भी नहीं जानते इस दुनिया के को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सी शक्तियां कंट्रोल कर रही है, तो आप क्या जानते हो, ये खाली अहंकार बोल रहा है कि आप जानते हो। Yes, ma'am. तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सीखने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, अन्यथा ये कली का जाल जो है, अब देखिए एक बात और समझनी पड़ेगी, कली इज वेरी थरो विद हिज जाल।